हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। सो आज हम क्लास 8 का लेसन 5 देखने वाले हैं, द माइजर एंड हिज गोल। यहाँ पर माइजर का मीनिंग है कंजूस। आज हम 8 ग्रेड के क्वेश्चंस देखेंगे और इनका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द माइजर कीप इन द होल। जो होल था, जो गड्ढा था, उधर पर माइजर ने कीप यानी रखना, व्हाट यानी क्या क्या रखा हुआ था। सो इट्स ट्रेजर, ट्रेजर यानी खजाना। सेकेंड क्वेश्चन है, हु केम रनिंग अप व्हेन द माइजर मेड अ टेरिबल क्लैटर। हु यानी कौन, रनिंग अप यानी दौड़ लगाकर आना। व्हेन द माइजर, जब कंजूस मेड अ टेरिबल क्लैटर, टेरिबल क्लैटर यानी कि डर के मारे जब वो जोर जोर से चीख रहा था, वहां पर कौन दौड़कर आया। तो कौन आया था, नेबर्स, नेबर्स यानी पड़ोसी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन विद द थीफ। अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार व्हाट शुड बी, क्या किया जाना चाहिए विद द थीफ, चोर के साथ। तो यहाँ पर है, लेट हिम गो, जाने देना चाहिए। गिव हिम गिफ्ट्स, गिफ्ट देना चाहिए। गिव हिम टू पुलिस, पुलिस को देना चाहिए। गिव हिम मोर मनी, और ज्यादा पैसे उसे देना चाहिए। तो भाई थीफ है, चोर है, तो उसे किसे दे देना चाहिए, पुलिस को दे देना चाहिए। पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ बोल्ड एंड राइट। यहाँ इन चारों में से बोल्ड का जो करेक्ट मीनिंग है वो हमें लिखना है। कोवर्ड यानी क्या होता है, जो कायर होता है। टिमिड, देन ब्रेव और फियरफुल। तो यहाँ बोल्ड का जो करेक्ट मीनिंग होगा वो होगा ब्रेव, बहादुर। नेक्स्ट है, ही मेड सच अ डैश क्लैटर। उसने किस तरीके से चीखा था, इट वॉज टेरिबल यानी डर के मारे उसने चीखा था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, द डैश केम बैक द वेरी सेम नाइट। उसी रात को कौन आया था, रॉबर, रॉबर यानी चोर। द ओल्ड मैन फाउंड दैट हिज ट्रेजर वॉज गोन। उस बूढ़े आदमी ने फाउंड यानी पाया, देखा कि क्या जा चुका है, ट्रेजर, ट्रेजर यानी खजाना जा चुका है। द पीपल ऑल केम रनिंग अप, सभी लोग दौड़ लगाकर आ रहे थे। राइमिंग वर्ड फॉर क्लैटर, क्लैटर का राइमिंग वर्ड क्या होगा, फ्लैटर, मतलब लास्ट में एटर आना चाहिए। होमोफोन ऑफ होल इज होमोफोन। होमोफोन क्या होते हैं, होमोफोन यानी जिनका, होमो का मीनिंग होता है सेम, और फोन यानी लिसन, सुनना, मतलब जो प्रोनंसिएशन में, सुनने में तो सेम है लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है। जैसे एच ओ एल ई होल और डब्ल्यू एच ओ एल ई भी होल होता है, मतलब देखिए आपको सुनने में तो ये सेम लग रहा है लेकिन इनका मीनिंग क्या होगा। यहाँ पर होल का मीनिंग क्या दिया हुआ है, गड्ढा, और होल यानी क्या होता है, पूरा। तो ये होमोफोन है, सुनने में सेम है लेकिन इनका लिखने में और मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ ऑफन डिड द माइजर कम टू सी हिज ट्रेजर। हाउ ऑफन, ऑफन यानी बार बार, हाउ यानी कितने, कितनी बार जो था वो माइजर अपने ट्रेजर को देखने के लिए आता था। आंसर है एवरी नाइट, हर रोज आता था। हु टुक अवे द माइजर्स गोल्ड, हु यानी कौन, टुक अवे यानी ले जाना, द माइजर्स गोल्ड, माइजर के, कंजूस के सोने को कौन ले गया था, कौन ले गया था, रॉबर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर गोल्ड। राइमिंग वर्ड क्या है गोल्ड का, तो गोल्ड का राइमिंग वर्ड फोल्ड, होल्ड, मोल्ड, सोल्ड। What do we call a person who loves to have a lot of money but hates to spend it? What do we call a person? हम उस person को क्या कहेंगे who loves to have a lot of money, जिसे बहुत सारा पैसा तो पसंद है लेकिन hates to spend it, उसे खर्च करना अच्छा नहीं लगता, तो उसे कंजूस कहा जाता है, कंजूस यानी miser. Next question है, what was the reply of miser's friend? माइजर के फ्रेंड का रिप्लाई, मतलब कि उन्होंने बदले में क्या कहा था। उन्होंने कहा था, यू कम एवरी डे, तुम रोज आते हो, एंड सी द होल इंस्टीड, और बदले में तुम सिर्फ होल को देखकर, गड्ढे को देखकर चले जाते हो। व्हाट मेड द माइजर हैप्पी एवरी डे, माइजर को हर रोज, व्हाट यानी क्या, क्या खुश कर देता था। वॉच हिज ट्रेजर इन द होल, गड्ढे में उसके खजाने को देखकर वो खुश हो जाता था। If you were in place of miser, अगर आप miser की जगह होते, how would you have reacted? आपका जो reaction है, आपकी जो प्रतिक्रिया है, वो कैसी होती on your stolen treasure? अगर आपका भी खजाना चोरी हो गया होता तो, I would complain in police. मैं क्या करता? मैं पुलिस में complain करता. Write the rhyming word for given words. अब हमें इन words के लिए rhyming words लिखने हैं, मतलब जो सुनने में same हो, जो तुकबंदी वाले हो। जैसे took, look, they, re. Made, fade, pleasure, treasure. अगर इसके अलावा भी आपको कोई राइमिंग वर्ड्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर। कलेक्टर को लेटर लिखना है ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग, उन्हें कंप्लेन करना है अबाउट द फ्रीक्वेंट थेफ्ट इन योर एरिया। लगातार आपके एरिया में जो चोरियां हो रही है उसके लिए। तो देखिए
ये लेटर हम कलेक्टर को लिख रहे हैं, कलेक्टर हमारे रिलेटिव नहीं है, मतलब ये जो लेटर होगा वो फॉर्मल लेटर होगा। फॉर्मल लेटर में हमें सबसे पहले हमारा एड्रेस देना होता है क्योंकि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो सबसे पहले हमने हमारा हमारा एड्रेस लिखा, देन यहाँ पर आपको एक लाइन लीव करना है क्योंकि स्पेस की यहाँ पर थोड़ी सी कमी थी तो मैंने लाइन लीव नहीं की है। एड्रेस के बाद आप एक लाइन लीव करेंगे, फिर जब आप लेटर लिख रहे हैं वो वाली डेट लिखेंगे, देन अगेन आप यहाँ पर एक लाइन लीव करेंगे। अब आप ये लेटर किसको लिख रहे हैं, आप उनका एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे, अगेन यहाँ पर आपको एक लाइन लीव करना है। प्यारे बच्चों अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट थेफ्ट इन योर एरिया। देखिए आपको यहीं से ये मिल जाता है, बाकी प्रॉपरली आप लिखेंगे लेटर टू कंप्लेन अबाउट थेफ्ट। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो आप यहाँ से भी उठाकर इसको लिख सकते हैं। देन हम किसको लिख रहे हैं, रिस्पेक्टेड सर या मैम, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कलेक्टर सर है या मैम है, या ये एक जनरली ऐसे लिखा जाता है रिस्पेक्टेड सर एंड मैम। देखिए इसके बाद आपको ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना है, कोई भी चीज इसमें राइट हैंड साइड नहीं आएंगी, लास्ट तक ये लेफ्ट हैंड साइड ही चलेगा। देन यहाँ पर जो मैंने बॉडी ऑफ द लेटर लिखी है वो मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म अबाउट द थेफ्ट इंसिडेंट्स इन आर एरिया। आई वॉन्ट यू टू टेक एन इमीजिएट एक्शन, थैंक यू फॉर योर टाइम। देखिए सिर्फ 3 सेंटेंस में मैंने इस लेटर को कम्प्लीट किया है। देखिए इसमें इन्फॉर्मेशन और भी बहुत सारी आती है, बट आपके लेवल के हिसाब से आप कितना कम से कम याद करके और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं उसके हिसाब से मैंने इस लेटर को डिजाइन किया है। लास्ट में क्योंकि ये एक ऑफिशियल फॉर्मल लेटर है, हम यहाँ पर सिंसियरली लिखेंगे और यहाँ पर हम नाम लिख देंगे क्योंकि यहाँ किसी का नाम दिया नहीं है, तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं या कोई भी नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रीड द नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक नोटिस दिया हुआ है, आपको इसको रीड करना है, आप खुद से रीड करेंगे प्यारे बच्चों। मैं एक बार रीड कर दे रही हूँ जिससे आपकी हेल्प हो जाए, आप दोबारा वीडियो को पॉज करके इसे जरूर रीड करिएगा। मॉडर्न हाई स्कूल नोटिस September 3, 2024, लॉस्ट पर्स। इट इज हियर बाय नोटिफाइड दैट अ ब्लैक कलर्ड पर्स हैड बीन फाउंड इन द स्कूल कैंपस। इट कंटेन्स सेम सम कैश एंड आईडीज इन इट। The owner of the purse is requested to collect it from the staff room after proving the identity. Rohit Roy, school captain. Now, here are some questions based on this. There are five questions, जिसका आपको आंसर देना है। मैं यहाँ अभी आपको आंसर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा इनके आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए। बस मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ। What is the notice about? What यानी क्या? About यानी के बारे में, notice किसके बारे में है? What does the purse contain? वॉट यानी क्या, पर्स कंटेन यानी पाया जाना, पर्स में क्या पाया गया था, क्या था। वेयर कैन द ओनर कलेक्ट द पर्स फ्रॉम, वेयर यानी कहाँ, फ्रॉम यानी से, ओनर यानी मालिक, तो पर्स का जो मालिक है वो उसे कहाँ से कलेक्ट यानी ले सकता था। राइट द एंटोनिम ऑफ लॉस्ट, एंटोनिम यानी अपोजिट, लॉस्ट का अपोजिट कौन सा दिया हुआ है, ये आपको पैराग्राफ में से जो नोटिस दिया हुआ है उसमें से फाइंड आउट करना है। गिव वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु ओन समथिंग, ऐसा पर्सन जिसका किसी चीज पर हक हो, वो जो उसकी हो, ओन यानी जो उसकी खुद की हो, उसे क्या कहा जाता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और आगे भी ऐसे ही 8th ग्रेड के और अदर टॉपिक्स के भी वीडियोस पाने के लिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज बच्चों, प्लीज टीचर्स, प्लीज माई व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।